के A320 NEO विमान की मुंबई हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल टाटा समूह द्वारा संचालित एयरलाइन का यह विमान उड़ान भरने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर वापस लौट आया, क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण इसका एक इंजन हवा में ही बंद हो गया था। इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि गुरुवार का विमान उड़ान भरने के ठीक 27 मिनट बाद ही हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि विमान बदलने के बाद यात्रियों को बेंगलुरु के गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सूत्रों ने बताया कि विमान नियामक DGCA इस घटना की जांच कर रहा है। बता दें कि एयर इंडिया के A320 NEO विमानों में CFM के लीप इंजन लगे होते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार A320 NEO विमान के पायलटों को सुबह 9:45 बजे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान के प्रस्थान के कुछ ही मिनट बाद एक इंजन में खराबी की जानकारी मिली। सूत्रों ने बताया कि इंजन के अचानक हवा में ही बंद होने के बाद आनंद फानन में विमान के पायलट ने सुबह 10:10 पर मुंबई हवाई अड्डे पर विमान को लैंड कराया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने इस घटना के बारे में सफाई देते हुए कहा कि एयर इंडिया सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और हमारे चालक दल इन स्थितियों से निपटने में अच्छी तरह से माहिर है। हमारी इंजीनियरिंग और रखरखाव टीमों ने तुरंत इस मुद्दे को देखना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्रवक्ता ने कहा कि विमान बदलने के बाद यात्रियों को बेंगलुरु के लिए रवाना कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।